तो मम्मी का हो गया है सुबह सुबह अपना घर का काम। तो यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रही है मम्मी मेथी। मम्मी मेथी है ना? धो रखा है इसको सुखाना है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आज की मॉर्निंग हमारी हो रही है उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है। अगर कभी मौका मिले तो विजिट जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हर रोज़ की तरह ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बढ़िया व्यू और मौसम के साथ। तो ऐसा कुछ है आज मौसम का हाल, आसमान एकदम साफ है, बाकी ऊपर पहाड़ों में हल्की फुल्की बर्फ़ देखने को मिल जाती है और यहाँ भी। बाकी आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ ऐसा कि मम्मी लगाने वाले हैं प्याज, तो मुझे खेत में खोदना है। देन उसके बाद चाचा लोग आने वाले हैं, तो उनके साथ घूमने के लिए जाना है। और यहाँ पे हैं हमारे नीचे वाले घर की गाय बच्चियाँ, जो कि धूप सेक रहे हैं। भैया, कहीं घूमने जाने से पहले घर का काम भी करना पड़ता है, नहीं तो घर में डांट पड़ सकती है। तो सबसे पहले खेत खोद लेता हूँ, फिर अपने हिस्से का काम पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं इत्मीनान से जा सकता हूँ घूमने। तो सबसे पहले तो जो खेत में ये लकड़ियाँ हैं इनको साइड कर देते हैं ताकि खेत खोदने में आसानी हो। तो मेरा काम है खेत खोदने का और मम्मी लगा रही है खेत के चारों ओर से मेड़, जो कि ऐसे लगाते हैं। और मेड़ लगाने के बाद मम्मी इसको पैर से दबा रही है ताकि वो बहे ना। और परकू जा रहा है अभी अपना, कहाँ जा रहा है? हेलो, ये खोदने आ रहा हूँ ना। खोदने आ रहा है? है ना, झूठ क्यों बोल रहा है? तू तो अपना कंकर सारने जा रहा है। अरे कंकर तो मेरे थोड़े ना हो, गुपका के हो। गुपका कौन लगते हैं तेरे? पापा जी ठहरे यार। तो गुपका क्यों कह रहा है? आदत से मजबूर है। आदत से मजबूर है, अब लेबरी कर रहे हैं तो गुपका ही बोलना पड़ेगा। अच्छा, पापा के वहाँ लेबरी कर रहा हूँ, थोड़ा ना बोलूँगा ना। तो अब प्रकाश आ गया है थोड़ी सी हेल्प करने के लिए और ये मेरे से काफी ज्यादा स्पीड में खोद दे रहा है। टैलेंट कहा जाता है इसे। टैलेंट कहा जाता है। और ऊपर से इसकी मम्मी ने देख लिया तो वहां से भड़क गए हैं चाची। तो ये है भाई जिसे प्रकाश बोल रहा था कि मैं गुपका का काम कर रहा हूँ, तो ये उनकी धर्म पत्नी है, यानी कि प्रकाश की मम्मी। तो खेत खोदने के बाद हम लोग जा रहे हैं पॉली हाउस, क्योंकि मम्मी कह रहे थे कि पॉली हाउस से प्याज का बीज भी ला दे। तो चंदू भी आया है अभी मेरे साथ। और यहाँ पर है हमारा पॉली हाउस और ये है हमारा एकदम ब्रांड न्यू ताला, जो कि कोई भी खोल सकता है। तो प्याज कहाँ पर है हमारा वो देखते हैं। वो पल्ले तरफ है सबसे लास्ट में। तो प्याज हमने सारा उखाड़ दिया है और कुछ बहुत मेरे से उखाड़ते टाइम टूट गए थे, तो वो चंदू पकड़ रहा है। तो वहाँ पे मम्मी कर रही है लकड़ी से खेत को इक्वल, ताकि प्याज लगाने में आसानी हो। और जब हम इसमें पानी डालें तो एक जगह अगर पाइप छोड़ देंगे तो सारी जगह चले जाएगा पानी। तो प्याज साइज़ में बड़ा हो गया था तो मम्मी उसको इक्वल करके ऐसे तोड़ दे रहे हैं, बाकी जो वेस्ट है वो यहाँ पर फेंक दे रहे हैं। फिर इसका सब्जी बनाते हैं, बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्जी होती है इसकी। तो भैया, मेरा काम तो पूरा हो गया है और अब इंतज़ार है चाचा लोगों का आने का, उसके बाद निकलेंगे घूमने के लिए। और साथ में कल्लू भी आने वाला है। चंदू तू वहाँ क्यों बैठा है? और चंदू ऐसे बाड़ में बैठा हुआ है, तार चुभेंगे ना भेल में तब पता चलेगा तुझे। बाकी यहाँ पर काम चालू है चाचा और प्रकाश का। तो आ चुके हैं चाचा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बेटुली धार और यहाँ पर से जो व्यू आज देखने को मिल रहा है वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे की जा रही है स्नो स्कीइंग, जो कि हमने 2-3 साल पहले कर चुके हैं। बाकी सामने का व्यू देखिए, पंचाचूली जहाँ पर गिरोगे ब्रेक लगा दे रहा है, टेढ़ा होना, वहाँ हमने गोए पे गिर जाओगे। और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से थामरी कुंड के लिए, क्योंकि चाचा कह रहे थे बहुत दिनों से कि थामरी कुंड देखना है देखना है। और चाचा लोगों के साथ उनके भाई लोग भी आए हुए हैं। अरे यार, ये वाले जूते बेकार हैं, कर रहा हूँ यार, अभी होने आए पूरा पानी पानी। तो आगे से चल रहे हैं बबलू चाचा, काफ़ी संभल संभल कर, मगर वो 2 बार गिर चुके हैं, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अगर अब गिरे तो पक्का रिकॉर्ड करूँगा। गिर जाओ यार एक बार मेरे लिए। गिर जाओ, 5 रुपये दे दूँगा गिरने के। गिर रहे हो? बबलू चाचा ने तो साफ मना कर दिया, मैं नहीं गिर रहा हूँ।
बाकी जो हमारे साथ आ रहे थे वो काफ़ी पीछे रह गए, तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद साथ वाले भी पहुंच चुके हैं और सबसे आगे आ रही है गुड़िया और बड़े मज़े से आ रही है। वो ट्रैक छोड़ के वो बर्फ में ही बर्फ में आ रही है क्योंकि उसे शायद बहुत मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है, है? आपको कैसा लग रहा है ईशु? तेरे को कैसा लग रहा है ईशु? बहुत ही गंदा लग रहा है। तो थोड़ी देर कर रहे हैं सेट के अंदर रेस्ट, यानी कि सेट के नीचे। चाचा तो पूरा शॉट ही आ रहा है। तो आज का सीन शॉट ऐसा कुछ है कि यहाँ कोई ट्रैक भी नहीं बना हुआ है, अनुमानित जाना है। जो ट्रैक बना रहा है वो कल्लू है और कहीं कहीं पर तो वो बेचारा भी पूरा धस जा रहा है जैसे अभी मैं धसा। तो आज का ट्रैक आप लोग देख लीजिए, सबसे आगे कल्लू चल रहा है, फिर गुड्डू चल रहा है और पैर पूरे धस जा रहे हैं कहीं कहीं पे। जब हम पिछली बार आए थे तब तो एक प्रॉपर ट्रैक टाइप का बना हुआ था, मगर आज काफ़ी मुश्किल हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमसे पहले कोई यहाँ नहीं गया, गए हैं, मगर जो उस दिन ट्रैक बना हुआ था ना वो काफ़ी सही बना था, मगर आज बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मगर गुड्डू को खेलने से फुर्सत नहीं है, ये मारा और निशाना चूक गया, ये फिर से चूक गया। तो फाइनली हम फिर से पहुंच चुके हैं थामरीकुंड। आज दिखाते हैं कि आज का सीन कैसा हो रहा है। ये है आज का सीन, कुछ लोग आए हुए हैं हमसे पहले। और थामरीकुंड में जब हम पिछली बार आए थे तो बर्फ़ जम के, मतलब पानी जम के पूरा शीशा हो गया था और इस साइड को भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी जो कि आज पिघल चुकी है। थोड़ी देर यहाँ पर अपने जूतों की सफाई कर लेते हैं, बर्फ़ निकाल लेते हैं, सॉक्स भी गीले हो गए हैं, तो थोड़ी देर सॉक्स सुखाने के बाद फिर चलेंगे थामरीकुंड की ओर। तो पहुँच चुके हैं सभी लोग। वाओ, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया यार, बहुत अच्छा, जन्नत है यार वहाँ। तो फिलहाल का सीन ऐसा कुछ है कि यहाँ पे बैठे हुए हमारे कल्लू भाई ये, और सभी लोग जा रहे हैं फोटो खिंचाने के लिए सामने। तो ऐसा कुछ है आज थामरीकुंड का व्यू। बाकी चाचा लोगों की चल रही है फोटोग्राफी, चाचा वहाँ पे गए हुए हैं और गुड्डू खींच रहा है यहाँ से फोटो। चाचा रास्ता पता है, रास्ता कितने नीचे है? ये रास्ता में तो हूँ, रास्ता काफी नीचे है, ये पूरा बर्फ ही बर्फ है, ऊपर घुटने घुटने तक का है, वो तो आप खिसक नहीं रहे हो नीचे को। रुको, यहाँ से थोड़ी गिरूंगा मैं अब। मेरी वीडियो भी तो बननी थी, वो देखो। अरे बोल सॉरी, पहले यहाँ देख के सॉरी बोल, यहाँ देख के सॉरी बोल, सॉरी बोल। मैं सॉरी बोलूंगा, सॉरी बोल, मैं सॉरी नहीं बोलेगा। तो ज्यादा देर बर्फ में खेलने का क्या कहते हैं, नतीजा आप लोग देख सकते हैं। कैसा चिता रहे हो गुड्डू? जैसा आप चिता रहे, मत करो यार प्लीज दादा, दादा ये देखिए चश्मे का क्या बर्फ में खेलते खेलते हालात आप लोग देख सकते हैं। चश्मे का एक लेंस गायब हो चुका है, फिर भी चाचा, अरे वाह क्या लग रहे हो यार चाचा, मजा आ गया आज। लग तो रहे हैं लेकिन बर्फ में जो है मजे लिए ना तभी। ये कुछ नहीं है, ये पता तक नहीं चला कि लेंस कहाँ गुम हो गया, कहाँ गया है अभी नहीं गया। और हम गए थे वहाँ फोटो खींचने, एक भी फोटो खींचने आया कोई? सब लोग एंजॉय में रह गए है ना बर्फ देखते ही। तो मस्ती तो भरपूर कर ली है। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं थामरीकुंड से और ये रहा थामरीकुंड का व्यू। बाकी अब हमें जाना है सीधे आगे को। बस बर्फ में लेटने का नतीजा, सारे कपड़े बर्फी बर्फ हो चुके हैं। ये बताइए मुझे कुछ ठीक हालात नहीं लग रहे यार, ये गया ये गया ये बेचारा गया। ये देखो तो
तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं बनीक में और यहाँ पे ऑर्डर दिया है मैगी बनाने के लिए बिक्की भाई को। तो बिक्की भाई मैगी बना रहे हैं, बाकी चाचा लोग अपने अपने जूते सुखा रहे हैं क्योंकि सबके जूते गीले हो चुके हैं। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।